हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सुबह के, सॉरी, दोपहर हो गई। अभी दोपहर के बजे हैं 2। आज मैं अभी लेट ही उठा हूँ, 1 घंटे पहले ही उठा हूँ, क्योंकि मम्मी पापा और भाई कुछ काम से बाहर गए थे। तो और वापस तूफान जैसा हो गया बाहर मौसम, बारिश बहुत तेज आ रही है, तो धूप आई नहीं। तो मैं थोड़ा, मुझे लगा कि अभी तक सुबह के 6 ही बजे, तो 12:30-1 बजे मैं उठा। फिर पता चला कि पापा भाई और मम्मी तो बाहर गए, फिर यहाँ पे सारा काम पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही मम्मी पापा आ गए, मैंने झाड़ू और लगाया, और थोड़े से बर्तन थे वो भी साफ कर दिए। बाहर इतनी फुल बारिश आ रही है अभी। मौसम मॉर्निंग जैसा लग रहा है। सो अगेन, आपको गुड नून नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुड मॉर्निंग। तो चलो देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। पापा अभी आए रूम में और बालकनी में खड़े थे। अभी इस रूम में तो कोई है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और भाई बैठा है हॉल में, खा रहा था खाना छोड़ के। सब्जी बनी अच्छी वाली, मम्मी खाना बना रही थी, खाना अभी बन रहा है, थोड़ी देर में मैं भी खाने ही वाला हूँ। मिलता हूँ आपको फिर से थोड़ी देर के बाद, मैं जल्दी से खाना खा के आ जाता हूँ। क्या सीन है गाइज? गाइस, कहीं ना कहीं इसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे शिमला में आ गया हूँ मैं। ठंडी हवा आ रही है, एकदम कूल, और रोड ऐसे हो गए, और मौसम पूरा, मतलब बाहर कैसा दिख रहा है। खाना खा के आ गया हूँ मैं, और आपको पता है सुबह का खाना अभी खाया है। इस टाइम दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। दिन कैसे निकल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत आज जल्दी ही निकल गया, और वैसे मैं लेट उठा इसलिए दिन जल्दी निकल गया ऐसा मुझे लग रहा है। और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इस चक्कर में पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। एलोवेरा और तुलसी में पानी पिला देते हैं, चलिए। फोन पे लगे हुए भाई साहब। जो तूफान था वो अहमदाबाद में आ चुका है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ तो फुल तूफान ही चल रहा है, और कितनी तेजी से बारिश जो है वो चल रही है। पेड़ पूरे हिल गए, आसमान में पूरा धुंध धुंध हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको पता है मैं यहाँ से आपको रोज एक व्यू दिखाता हूँ, तो पूरा क्लियर दिखता है, और आज कुछ दिख नहीं रहा है। तूफान बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा पेज टेढ़ा हो गया है, गिर गया है मोस्टली ये हाईवे पे। मतलब सोचो आप कितना तेज तूफान आया होगा गाइस। तो गाइज, आप लोग देख रहे हो मम्मी रोटी बना रही है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे फ़ोन का फ्लैश है, और फ़ोन के फ्लैश से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि घर में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, और लाइट नहीं है। फिर भी मम्मी अंधेरे में रोटियाँ पका रही है। बाहर बारिश आ रही है और बहुत ठंडा हो गया, तो एक चीज़ बनाएंगे हम लोग बारिश में, और खाने में मज़ा आ जाएगा। एक नई चीज़ जो रोटी के साथ मैं आज खाऊँगा, बनने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, वो चीज़ ये थी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो क्या बन रहा है। मिर्ची वाले पकोड़े आपने खाए होंगे, लंबी मिर्ची आती है अंदर, और आज हम रोटी के साथ यही खाने वाले हैं। ये एक नया टेस्ट है, बहुत मस्त लगता है, आप भी ट्राई करना। ये इसका बैटर पड़ा है, और ये ग्रीन मिर्ची पड़ी है। तो चलिए गाइज, अब हम खाते हैं, क्योंकि स्पाइसी खाने में बहुत ही अलग ही मज़ा आता है रोटी के साथ। चलिए अब मैं खाने जा रहा हूँ। शाम के बजे है 7, और बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। तूफान आते आते इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया, जिससे सबके घर में लाइट चली गई है। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी 20% है, लैपटॉप स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, तो आज का जो वीडियो है वो शायद एडिटिंग ना हो पाए। फिर भी आई होप अगर लाइट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कैमरा भी अब स्विच ऑफ होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें बैटरी बहुत कम बची हुई है। पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि लाइट नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।